गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डील विद हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट पायरोल। आज हम विषम चक्रिक यौगिक एक पायरोल के बारे में चर्चा करेंगे। पांच सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में पायरोल अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है। इसकी वलय विभिन्न प्राकृतिक यौगिक उदाहरणतः क्लोरोफिल, हीम, विटामिन B12 तथा एल्कोलाइड से मिलती है। अस्थि तेल इसका प्रमुख स्रोत है। पायरोल मुख्यतः कोलतार एवं जांतव्य तेल में पाया जाता है। जांतव्य तेल को तनु क्षार से धोते हैं जिससे कि अम्लीय अशुद्धियां दूर हो जाए। इसके पश्चात अम्ल से धोते हैं जिससे कि क्षारीय अशुद्धियां दूर हो जाए। इस तेल का प्रभाजी आसवन किया जाता है 373 से 423 डिग्री केल्विन के मध्य के प्रभाज में पायरोल होता है। इसे एकत्रित कर लेते हैं। पायरोल के शुद्धिकरण के लिए इस प्रकार प्राप्त पायरोल की KOH से अभिक्रिया कराकर जिससे हमें ठोस पोटेशियम पायरोल प्राप्त होता है। इसका भाप आसवन करने पर शुद्ध पायरोल प्राप्त हो जाता है। अमोनियम म्यूसेट एवं ग्लिसरॉल को जब 437 डिग्री केल्विन पर आश्वित करते हैं तो म्यूसिक अम्ल व अमोनिया प्राप्त होता है। म्यूसिक अम्ल के निर्जलीकरण, विकार्बोक्सलीकरण, चक्रीकरण एवं अमोनिया से अभिक्रिया पर पायरोल बनता है। एसिटिलीन एवं अमोनिया को रक्त तप नली में से प्रवाहित करने पर पायरोल प्राप्त होता है। फ्यूरेन की अमोनिया के साथ 753 से 763 डिग्री केल्विन पर एल्यूमिना की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर पायरोल प्राप्त होता है। यह पायरोल उत्पादन की औद्योगिक विधि है। फ्रॉम सक्सिनामाइड में कीटोइनोल चलावयवता पाई जाती है। इसका जिंक की उपस्थिति में आसवन करने पर पायरोल प्राप्त होता है। पॉल नॉर संश्लेषण 1,4 डाइकीटोन का अमोनिया अथवा प्राथमिक अमीन के साथ संघनन कराने पर पायरोल अथवा पायरोल व्युत्पन्न प्राप्त किए जाते हैं। अल्फा अमीनोकीटोन या अल्फा अमीनो बीटोकीटोएस्टर की बीटा डाइकीटोन या बीटा कीटोएस्टर के साथ अभिक्रिया से नॉर संश्लेषण। बीटा डाइकार्बोनिल यौगिक या बीटा कीटोएस्टर जिनमें सक्रिय मैथिलीन समूह होता है अल्फा अमीनोकीटोन या अल्फा अमीनो बीटा कीटोएस्टर के साथ संघनित होकर पायरोल व्युत्पन्न बनाते हैं। यदि बीटा कीटोएस्टर के स्थान पर बीटा डाइकीटोन लें तो 4-acetyl-2-ethoxy-3,5-dimethyl पायरोल प्राप्त होता है। हैंज संश्लेषण बीटा कीटोएस्टर तथा अल्फा क्लोरोकीटोन का अमोनिया अथवा प्राथमिक अमीन के साथ संघनन करने पर पायरोल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। भौतिक गुण पायरोल शुद्ध अवस्था में रंगीन द्रव है। वायु के संपर्क में आने पर यह काले भूरे रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह जल में अल्पविलय है परंतु ईथर एवं अल्कोहल में शीघ्रता से विलय हो जाता है। पायरोल का क्वथनांक 404 डिग्री केल्विन है। पायरोल में द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान 1.80 dBi है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगीचण ले जाने पर इसका रंग लाल हो जाता है। क्षारीय गुण पायरोल एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। इसका PKB का मान 13.6, PKa 0.4 तथा KB का मान 2.5×10⁻¹⁴ होता है। पायरोल की उपर्युक्त अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता, अतः पायरोल एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। हैलोजनीकरण SO2Cl2 के साथ क्लोरीनीकरण, Br2 मेथनॉल के साथ ब्रोमीनीकरण, आयोडीन जलीय NOH के साथ आयोडीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। जब पायरोल को SO2Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें 2,5-dichloropyrrole प्राप्त होता है। अगर पायरोल की ब्रोमीनीकरण करावें मेथनॉल की उपस्थिति में तो हमें 2,3,4,5-tetrabromopyrrole प्राप्त होगा।
और आयोडिनेशन कराने पर NaOH के साथ तो टेट्रा आयोडोपिरोल प्राप्त होगा। नाइट्रीकरण, एसिल नाइट्रेट या सांद्र HNO3 एसिटिक एनहाइड्रेट के द्वारा नाइट्रीकरण कराने पर 2-नाइट्रोपिरोल प्राप्त होता है। पिरिडीन की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर पिरोल 2-सल्फोनिक अम्ल बनता है। पिरोल की उच्च सक्रियता के कारण प्रबल अम्लीय माध्यम में पिरोल अणु का बहुलीकरण हो जाता है, अतः नाइट्रीकरण व सल्फोनीकरण में विशेष अभिक्रमक जैसे एसिटिल नाइट्रेट एवं SO3 पिरिडीन आदि काम में लेते हैं। एसिटिलीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया एसिटिलीकरण अभिक्रिया मंद उत्प्रेरक जैसे BF3 अथवा SNCl4 की उपस्थिति में संपन्न हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड पिरोल का बहुलीकरण कर देता है। फॉर्मिलीकरण, HCl के साथ पिरोल की अभिक्रिया कराने पर 2-फॉर्मिल पिरोल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को गटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। विस्मर हैक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पिरोल थायोफिन फ्यूरेन के एल्डिहाइड की अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड के समान होती है, अतः ये कैनिजारो क्लेजेनशिमिट परकिन बेंजोइन प्रकार का संघनन तथा बेंजिलिक अम्ल प्रकार का पुनर्विन्यास आदि अभिक्रिया देता है। राइमर टीमन अभिक्रिया एवं वलय का विस्तार, पिरोल जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया करेगा तो 2-फॉर्मिल पिरोल व 3-क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होगा। ये नीचे इसकी क्रियाविधि है, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ ट्राइक्लोरोकार्बीन, फिर डाइक्लोरोकार्बीन, फिर डाइक्लोरोकार्बीन जब अटैक करेगा कार्बेनाइन, हाइड्रोलिसिस होकर के 2-फॉर्मिल पिरोल और डीहैलोजिनेट होकर 3-क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होगा। कार्बोक्सिलीकरण, पिरोल जब CCl4 और KOH के साथ क्रिया करेगा तो पिरोल 2-कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। कॉल्बे शिमिट रिएक्शन, तो पिरोल को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 393 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, केल्विन पर गर्म करें, तो हमें पिरोल 2-कार्बोक्सिलिक अम्ल और पिरोल 3-कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। एल्किलीकरण व एसिलीकरण, पिरोल की मेथिल आयोडाइड के साथ 373 डिग्री केल्विन पर अभिक्रिया से एन मेथिल पिरोल बनता है, जो उच्च ताप पर 2-मेथिल पिरोल अथवा 3-मेथिल पिरोल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ 353 डिग्री केल्विन पर संपन्न होती है, जिसे एसिलीकरण कहते हैं। पिरोल एसिटाइल क्लोराइड के साथ 353 डिग्री केल्विन पर एन एसिटिल पिरोल, 2-एसिटिल पिरोल, 3-एसिटिल पिरोल। तो हमें 2-एसिटिल पिरोल और 3-एसिटिल पिरोल का मिश्रण प्राप्त होगा। हॉबन ऑश सिंथेसिस, पिरोल की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में मेथिल साइनाइड के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद के अम्लीय जल अपघटन से 2-एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है। इसे हॉबन ऑश संश्लेषण कहते हैं। 2-एसिटिल पिरोल क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण के पश्चात कीटो अम्ल देते हैं, जो विकार्बोक्सिलीकरण पर 2-फॉर्मिल पिरोल में परिवर्तित हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पार्ट 1 पिरोल।